लखनऊ में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। बता दें कि रिश्तों को तार तार करने वाली यह घटना लखनऊ से है, जहां पर एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी। राजधानी लखनऊ में युवक की हत्या से हड़कंप मच गया। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। मासूम बच्चों ने हत्या का खुलासा किया है। पत्नी ने प्रेमी संग पति की पिटाई कर फांसी से लटका दिया। पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर कमरे में बंद पति को बुरी तरीके से पीटा था। पति की हत्या कर पत्नी और प्रेमी दोनों फरार हो गए। राजधानी लखनऊ के मोहल्ला लालगंज कोतवाली क्षेत्र का मामला है। मोहन लालगंज पुलिस जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। बच्चों ने पूरे हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि किस तरीके से उनकी मम्मी अपने आशिक के साथ मिलकर उनके पिता की हत्या कर दी है। पुलिस जल्द ही हत्यारों को पकड़ने का दावा भी कर रही है। इकबाल अहमद, लखनऊ, समाचार 24। लालगंज के ग्राम धनवारा में आज सुबह एक प्रदीप सिंह नाम के व्यक्ति की डेड बॉडी लटकती हुई मिली थी उसके घर के कमरे में, जिसकी उम्र लगभग 35 साल थी। इस संबंध में उसके भाई महेंद्र सिंह द्वारा एक तहरीर दी गई थाना मोहनलालगंज में कि उसकी पत्नी और अपने एक प्रेमी के साथ रहने लगी थी और ये आए दिन अक्सर जो है पत्नी और उसका प्रेमी इनके साथ मारपीट करता था, जिसका ये उसका भाई मृतक विरोध करता था। कल भी रात में ये उसकी पत्नी और प्रेमी आए थे घर पर और उसके साथ जो है मारपीट किए और उसके बाद इसको छत के कुंडे से लटका करके इसकी हैंग करके और हत्या कर दी। इस तहरीर पर धारा 302 IPC का अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस संबंध में डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम में जैसी रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से विवेचना की जाएगी और जो भी इसमें तथ्य और सारे विवेचना में बिंदु आएंगे उनके अनुरूप जो है इसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे।